दादा बोलो बोलो क्या दादा आप आओ। मैंने कहा भाई ये तुम लोग गलत गलत मैसेज करते हो कि करणसेना हमारी है और सभी करणसेना एक हो गई और हम ही राष्ट्र अध्यक्ष है। तो मैंने कहा जो राष्ट्रीय करणसेना है वो सुख जी की है, जो सुख जी नहीं है वो उनका चला रहे, हमारी करणसेना अलग है। तुम ये करणसेना के राष्ट्रीय करणसेना के नाम से क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला दादा आ जाओ आप तो अपन बात करते हैं। हमें मालूम नहीं, हम तो तीन लोग रह गए थे, इन लोगों ने 5-7 गनमैन बुला रखे, एक बंदूक कोक करके रखता है खुद शिव सिंह। मुझे नहीं मालूम था, ये अंदाजा नहीं था, मैं तो केवल ऐसे ही गया था। वहाँ राम सिंह सुद्रासन था, वहाँ गज्जू बना थे, वहाँ और 5-7 लोग जो मेरे मुझे जानते हैं शुरू से वो लोग थे। तो मुझे ऐसा कुछ ही अंदाजा नहीं था, उन लोगों ने एकदम मेरे पे अटैक कर दिया, मेरे तीन लोगों पर अटैक कर दिया। अब 50-60 आदमियों के साथ में तीन आदमी क्या कर सकते, हमने खूब बचाव किया ये लोग। जबकि मैं ये बोलने गया था ये गंध मत फैलाओ, करणसेना सब एक हो रही है, सुख जी की भी ये मंशा थी। मैं उनकी उसमें गया था और भावी साहब से जब भी बात हुई हो जाएगी, और हमेशा सब हम लोग एक होना चाहते हैं। बंदूक को करके मुझे बोलता है तेरे को मार देंगे, और फिर नीचे खुद मेरे मुंह के ऊपर करके बंदूक फायर करता, बोलता है मेरे पे एक बंदूक चला दी और मेरे पे अटैक कर दिया। अरे तीन आदमी बंदूक चलाएंगे क्या? चलाएंगे तो तुम्हारे पास जो CCTV रिकॉर्डिंग है तुम बताओ हमको। और हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं ऐसे। सबसे बड़ी बात तो वो जो शिव सिंह है वो एस्कॉर्ट सर्विसेज चलाते, मुझे मालूम चला कि वो गलत उसमें लिप्त है, जो राजपूत की हरकत नहीं है। और अगर ऐसे लोग अगर आगे करणसेना के नाम से जाएंगे तो हम लोग नहीं चलने देंगे। और हम सब लोग करणसेना जीती भी है सब एक है, ऐसे लोगों के साथ नहीं है। मैं हमेशा करणसेना के नाम से मरता मिटता आया हूँ, समाज के नाम मरता मिटता आया हूँ, ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं है मुझे मिटा देंगे। 50 लोग किसी को भी दबा सकते हैं, सुख जी का भी ऐसे ही किया था, और अगर मुझे दबाना चाह रहे तो मैं रुकूंगा नहीं, इनसे मैं लड़ूंगा।